कहानी शुरू होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी है और प्रेसिडेंट बुश ने अमेरिका की जीत डिक्लेयर कर दी है। मगर दो सोल्जर सार्जेंट मैथ्यूज और आइजैक अपनी पोजीशन में होते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली होती है कि कोई अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स को मार रहा है पाइपलाइन के पास। वो वहां देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। मैथ्यूज एक स्नाइपर होता है और आइजैक उसका सपोर्टर, जो स्नाइपर को बताता है कि एनिमी कहाँ है, और स्नाइपर के शॉट लेने के बाद उसे बताता है कि एनिमी मरा या नहीं। फिर टाइम बीतता है लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं होती। आइजैक मैथ्यू से बोलता है कि या तो दुश्मन अभी तक वहाँ है और उनकी गलती करने का इंतजार कर रहा है, या फिर वहाँ सच में कोई नहीं है। मैथ्यूज उसे बोलता है कि जो भी था अब वो जा चुका है, और वो आइजैक से पूछता है कि उन्हें यहाँ पाइपलाइन में पहरा देते हुए कितना टाइम हो गया। आइजैक बोलता है कि 20 घंटे। ये सुन के मैथ्यूज आगे जाके चेक करने जाता है लेकिन आइजैक उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। पाइपलाइन में पहुंच के मैथ्यूज देखता है कि ये कोई नॉर्मल फायरिंग नहीं है, क्योंकि उन सब के सर पर गोली लगी हुई होती है और सब पे इतना सटीक एम सिर्फ एक स्नाइपर ही मार सकता है। आइजैक मैथ्यूज को स्कोप से देख रहा होता है और उसे बोलता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन तभी मैथ्यूज को गोली लगती है और ये देख के आइजैक उसके पास आता है, लेकिन स्नाइपर भी उसे गोली मारता है। लेकिन आइजैक किसी तरह बचता है और मैथ्यूज को बचाने आता है, मगर उसके घुटने में गोली लग जाती है और वो दीवार के पीछे कवर लेता है। फिर आइजैक दीवार के पीछे से मैथ्यू से बात करता है और उसे टोनिंग क्यूंट यूज़ करने के लिए बोलता है। ये एक डिवाइस होता है जिसे लगाने से खून निकलना बंद हो जाता है। ये हर सोल्जर के पास होता है। मैथ्यूज आइजैक को रेडियो करने के लिए बोलता है जिससे वो अपने बेस को सिचुएशन के बारे में बता सकें, लेकिन आइजैक देखता है कि स्नाइपर ने उसके रेडियो का एंटीना तोड़ दिया है तो वो बेस में कॉल भी नहीं कर सकता। आइजैक को बहुत गुस्सा आता है और अपने हालात पर उदास होता है। मैथ्यूज उसे बोलता है कि वो अभी भी शॉट ले सकता है, बस उसे स्नाइपर की लोकेशन पता हो। वो आइजैक को बोलता है कि उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए। फिर आइजैक कुछ पत्थर हटाता है लेकिन पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं जिससे उसकी उंगली में चोट आ जाती है। फिर वो स्कोप लगाकर स्नाइपर की पोजीशन के बारे में पता लगाता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। फिर आइजैक अपने घुटने से गोली निकालता है और अपने पैर पर पट्टी करता है, मगर खून काफ़ी बह जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर उसे रेडियो से मैसेज आता है। वो होश में आता है तो देखता है कि उसके बेस से मैसेज है। वो उसे पूछते हैं उसका नाम और रैंक। आइजैक उनका जवाब देता है और बताता है कि यहाँ एक स्नाइपर है जिसने उसे और उसके एक साथी को गोली मारी है और उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प चाहिए। सामने वाला उसकी पोजीशन पूछता है और आइजैक उसे जवाब देता है। वो खुश होता है कि फाइनली वो बच जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ रिस्पॉन्स ना आता देख वो दोबारा उनसे पूछता है कि इतनी देर क्यों लग रही है। वो उससे और सवाल पूछते हैं। आइजैक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर आइजैक उसे बोलता है कि उसका एक्सेंट अलग है, अमेरिकन नहीं। तब आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जो उसे अमेरिकन सोल्जर बनके बात कर रहा है, और वो अपने आप को कोसता है क्योंकि उसने स्नाइपर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। वो रेडियो से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। आइजैक उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो स्नाइपर बोलता है उसे बस आइजैक के बारे में जानना है और उसे थोड़ी बातें करनी है। आइजैक उसे अपने बारे में बताता है और उसका ठिकाना ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो कैलकुलेशंस करता है कि अगर एरिया इतना बड़ा है और उसे गोली इस एंगल से लगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो स्नाइपर से पूछता है कि उसने उन कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स को क्यों मारा। वो बस उसके देश में पाइपलाइन बना रहे थे जिससे फ़ायदा उसी की इकोनॉमी को होता। वो बोलता है कि फ़ायदा मेरे देश की इकोनॉमी को नहीं बल्कि अमेरिका को होता, क्योंकि पाइपलाइन वो अपने लिए बना रहे हैं। फिर आइजैक देखता है कि सामने रेडियो रखा है, वो उसे लाने के लिए प्लान बनाता है। स्नाइपर उसे बोलता है कि वो डीन का स्कोप लेके क्यों घूमता है, वो तो ख़राब है। ये सुन के आइजैक शॉक हो जाता है कि उसको उस डीन के बारे में कैसे पता, और उसका जवाब नहीं देता। स्नाइपर उसे बोलता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो मैथ्यूज को मार देगा। आइजैक पानी पीता है लेकिन उसकी बोतल में गोली लगने की वजह से सारा पानी गिर जाता है। स्नाइपर उसे बोलता है कि तुम जल्दी मर जाओगे, मैंने जानबूझ के तुम्हारी बोतल पे गोली चलाई और तुम्हारे रेडियो का एंटीना तोड़ा। फिर आइजैक को यकीन होता है कि जिसने इतने सब लोगों को मारा और उसे हॉस्टल बना के रखा है वो और कोई नहीं बल्कि जुबा है। जुबा एक ऐसा स्नाइपर है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका निशाना बहुत सटीक है। फिर वो देखता है कि जिस बुलेट से जुबा ने उसे मारा वो 762x52 नेटो राउंड है, US इशूड, मतलब उसकी गन M24 या Mach 11 होगी। और आइजैक सोचता है कि इतनी लंबी रेंज के साथ निशाना सिर्फ Mach 11 में लग सकता है, मगर आइजैक को जुबा की तरफ से लोहे की आवाज़ आती है। वो समझ आता है कि जुबा किसी लोहे वाली जगह पर है। वो देखता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। वो उसे और बात करता है जैसे वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके। तब उसे पता चलता है कि वो कूड़ेदान में है। आइजैक उसे बोलता है कि तुम जुबा हो जिसने 35 US सोल्जर्स को मारा। आइजैक समझ जाता है कि कोई जुबा को इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो कचड़े के ढेर में था और वहाँ से सबको मार रहा था। वो उसे बोलता है कि US आर्मी ने उसे ट्रेन किया, ऐसा बनाया, तो वो उन्हीं को क्यों मार रहा है। जुबा बोलता है कि US आर्मी ने मुझे ट्रेन किया लेकिन उन्होंने मेरे देश में जंग शुरू करी, मेरे लोगों को मारा,
इसलिए मैं वापस आके अपने लोगों का बदला ले रहा हूँ। फिर वो आइसैक से पूछता है कि वो यहाँ अभी तक क्यों है और वो डीन को कैसे जानता है। आइसैक उसे बताता है कि डीन उसका फैमिली फ्रेंड था और उसके बीवी बच्चे भी हैं, वो वापस जाके उन्हें फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो वापस नहीं गया। फिर आइसैक को आइडिया आता है, वो अपनी जैकेट निकाल के गन पे रखता है और उसके ऊपर अपना हेलमेट रखता है, जिससे वो इसको ऊपर करेगा तो जुबा जब शूट करेगा तो उसे जुबा की लोकेशन पता चल जाएगी। मगर जब आइसैक ऐसा करता है तो उसकी ये ट्रिक फेल हो जाती है। वो गन निकाल के अपने आप को मारने की सोचता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और रोने लगता है। फिर धूल बढ़ने लगती है तो जुबा का विजन ब्लॉक होने की वजह से वो इसका फायदा उठा के भागता है और दूसरा रेडियो और बैग लेके जल्दी से वापस दीवार के पीछे आता है। जुबा उसे गोली मारता है लेकिन आइसैक बच जाता है। जुबा उस दीवार में गोली मारता रहता है जिससे कई दीवारें गिरती हैं और आइसैक जल्दी से दूसरे कोने पे आ जाता है। वो बैग खोलता है तो उसमें से पानी पीता है और कुछ खाता है। जुबा उसे बोलता है कि ये बेवकूफ़ी थी, मैं तुम्हें मार सकता था। आइसैक रेडियो से बेस पर कॉन्टैक्ट करता है लेकिन वो रेडियो भी खराब निकलता है। वो गुस्सा होता है और उसका स्कोप ही टूट चुका होता है, वो काफ़ी निराश होता है। जुबा उसे बात करता है लेकिन उसका नेटवर्क बीच बीच में जा रहा होता है। आइसैक समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो रहा है। तब पता चलता है कि ऐसा मैथ्यूज कर रहा है जो इतनी देर से बेहोश था। वो आइसैक को मोर्स कोड से मैसेज भेज रहा होता है। आइसैक काफ़ी खुश होता है और उसे जुबा की लोकेशन बताता है और जुबा को अपने साथ बातों में बिजी रखता है जिससे मैथ्यूज जुबा को मार सके। मैथ्यूज किसी तरह गन को अपने पास लाता है और कूड़ेदान में निशाना लगाकर शूट करता है। उन्हें लगता है कि जुबा मर गया लेकिन उसी समय जुबा मैथ्यूज के गंदे पे गोली मार देता है। मैथ्यूज ऐसी हालत में आइसैक के पास आता है लेकिन जुबा उसके सर पे गोली मारता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। आइसैक ये देख के बहुत रोता है और सदमे में चला जाता है। जुबा उसे पूछता है कि जंग खत्म हो चुकी है, तुम्हारे ज़्यादातर सोल्जर्स वापस चले गए हैं, फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? आइसैक बोलता है कि उसकी गलती की वजह से डीन मरा। जब एक बार डीन ने गोली चलाई तो मैंने देखा और उसे बोला कि टारगेट मर चुका है, लेकिन वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही डीन उसके पास गया उसने डीन को मार दिया और इसके लिए वो अपने आप को दोषी मानता है, इसलिए वो अभी तक यहीं है। फिर आइसैक को रेडियो से आवाज़ आती है लेकिन वो क्लियर नहीं होती, तो वो दूसरे रेडियो का एंटीना अपने रेडियो पे लगाता है और अपने बेस से बात करता है, लेकिन देखता है कि उसकी जगह बेस पे बात जुबा कर रहा है आइसैक बनकर। वो उनसे बोलता है कि यहाँ सब ठीक है और उन्हें ले जाने के लिए बैकअप बुलाता है। आइसैक समझ आता है कि ये जुबा की चाल है, वो ऐसे करके अमेरिकन सोल्जर्स को बुलाता है और उन्हें मारता है। फिर आइसैक बेहोश हो जाता है और शाम को उठता है। वो जुबा से बात करता है लेकिन जुबा उसका जवाब नहीं देता। आइसैक मैथ्यूज की गन लेता है और कूड़ेदान में एम करता है। वो देखता है कि उसके सोल्जर्स आ रहे हैं तो वो दीवार को नीचे गिराता है, जैसे कुछ टाइम के लिए काफ़ी मिट्टी उड़ती है और वो खुले में पोजीशन लेता है और जुबा उसे शूट करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। आइसैक को जुबा की लोकेशन पता चलती है और वो उसे शूट करता है और सोचता है कि उसने जुबा को मार दिया। फिर US सोल्जर आते हैं और उसे और मैथ्यूज को लेकर वहाँ से जाते हैं। आइसैक उन्हें बोलता है कि जुबा कूड़ेदान में है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और हेलीकॉप्टर में जुबा एक सोल्जर्स को गोली मार देता है और फिर वो पायलट को भी मारता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अगले सीन में एक रेडियो से मैसेज आता है जिसे जुबा रिसीव करता है और सोल्जर्स को बुलाता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।